नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू युवा वाहिनी भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलबीर सिंह बिरदी थाना इज्जत नगर क्षेत्र में रहते हैं। इन्होंने भू माफियाओं के खिलाफ शिकायत की है और उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। देखिए खबर। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बरेली से आज डीएम ऑफिस पर आए हैं, क्या है मामला? मैं डीएम साहब के पास इसलिए आया हूँ कि एक भू माफिया के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए आया था कि ये भू माफिया के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। उस शख्स ने हमारी जमीन घेरी दूसरों की भी जमीनें द्वारा घेर ली और उसको कोई पूछने वाले ही। उसने मंदिर की आड़ में जो है कब्जे करे हैं और मंदिर के नाम से लोगों से अरबों खरबों रुपए इकट्ठे कर लिए। स्कूल कॉलेज सब उसके धंधे के हिस्से बन गए। अब वो जांच द्वारा कोई भी होती है तो सारे के सारे अधिकारी जो है उससे पैसा खा के उसके झूठी रिपोर्ट लगा के और झूठ खत्म कर देते। मैंने इस मैटर में प्रधानमंत्री जी की कार्यालय में जाके प्रार्थना पत्र दिया, वहां पे कुछ नहीं हुआ। फिर CM योगी साहब के यहाँ तीन दफा मैं खुद स्वयं वहां पे देख के आया तो कुछ नहीं हुआ। उसका भू माफिया रणजीत सिंह भदौरिया, धरिंदर सिंह भदौरिया, रविंदर भदौरिया, इन सबके खिलाफ में जो FIR दर्ज हो चुकी है। मेरा कहना का मतलब है कि इतना भ्रष्ट आदमी है, इतना पैसा पुलिस को बांट रहा है और ये पुलिस झूठी रिपोर्ट लगा रही है। ये पुलिस उनके नाम पे, मैं तो कहता हूँ कलंक है ये पुलिस जो है, इतनी नकम्मी पुलिस। तो आपका संगठन क्या कार्रवाई करेगा? संगठन ये कार्रवाई करेगा अगर ये दो चार दिन के अंदर सख्त कार्रवाई नहीं करी तो मैं जो है यहाँ पे DM कार्यालय के सामने जो है इसका पुतला बनाकर दहन करूंगा और विरोध प्रदर्शन करूंगा। कब करेंगे कार्यक्रम? ये 4-5 दिन के अंदर किसी वक्त भी मैं कर सकता हूँ। मेरे प्रशासन से अपील है। आप धमकी दे रहे हैं? मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं मजबूर हो गया हूँ। मेरी अरबों खरबों की संपत्ति खा गए ये लोग और कोई सुनवाई नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपका चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, फिर आपका SSP साहब, CO 3rd, SP क्राइम, ये एक भी कोई भी इनसे बयान दर्ज नहीं करवा पाया। SP क्राइम कहते हैं हम बयान नहीं दर्ज करा पा रहे हैं। जो SPCT साहब कहते हैं वो कि हम बयान उससे बयान दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं, वो नहीं आता, हम क्या करें? अरे बताइए, जब इतना अधिकारी जो है उसको इतनी छूट दे रखी है, वो उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं, हत्या तक के मुकदमे चल रहे हैं, चारों तरह जमीनों के अवैध कब्जे करे हुए हैं। अरे कहाँ पे कर रहा है ये? आप ये कब्जे हम डिफेंस कॉलोनी नगरीय परिषद इज्जत नगर के पास में है। कितनी जमीन है एक कब्जे कर लिया? मेरी कम से कम तो 1000 गज तो मेरी घेरी हुई है, जनता की औरों की अलग से घेरी हुई है। फर्जी दस्तावेज तैयार करे हुए हैं। जो आदमी जिसकी जमीन है वो अपनी बेच के मर के चली गई, उसकी फर्जी पावर अटॉर्नी बना के और हमें बेनामे कर रहे हैं मंदिर के नाम से। अब मंदिर के नाम से है तो मंदिर क्यों नहीं बना? अभी 40 साल से अरबों खरबों में इकट्ठे कर लिए, स्कूल कॉलेज सब बन गए उसके, वो मंदिर क्यों नहीं बना? थाना चौकी कौन सी? थाना चौकी बैरियर नंबर 1, थाना इज्जत नगर। ठीक है।